इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सदारत से हटाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन कुछ देर में बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पार्टी सदारत से हटाने की फाइल तैयार करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी गई। तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में अपील। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर करके अपील दोबारा दायर की गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराजात आयद करके अपील वापस कर दी थी। अपील पर वकालतनामा और दस्तखत दुरुस्त न होने का एतराज आयद किया गया था। चेयरमैन पीटीआई ने वकालतनामे पर दस्तखत कर दिए। उधर तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई का हक दिफा बहाल करने की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट 10 अगस्त को सुनवाई करेंगे। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया। कौमी असेंबली की तहलील में दो रोज बाकी, निगरान वजीर आजम के लिए मुशावरती अमल तेज। एमकेएम के वक्त की वजीर आजम से मुलाकात, कामरान तिसोरी का नाम तजवीज कर दिया। नून लीग की जानिब से साबिक जज खलीलुर रहमान और हफीज शेख का नाम शॉर्ट लिस्ट। पीपल्स पार्टी की जानिब से मखदूम अहमद महमूद, साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जलानी के नाम। उधर ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज ने भी आज इजलास तलब कर लिया। ऑपोजिशन के नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी। राना सनाउल्ला ने जिन दो नामों का जिक्र किया वो हमारी फहरिस्त में नहीं, वो वजीर आजम की किचन कैबिनेट के रुकन हैं। वो जानते होंगे कौन आ रहा है। हमने पांच नाम दिए थे जो अब तक सामने नहीं आए। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह का तकरीब से खिताब, कहा दुआ है इलेक्शन नवंबर में हो। नई मर्दमशुमारी के तहत हलका बंदियां हुई तो 4 माह लग सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी अदालती मसला है। हुकूमत का पैमरा तरमीमी बिल वापस लेने का ऐलान। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं मुखलिसाना सोच और बड़ी मेहनत से बिल तैयार किया था। पैमरा के पुराने से कानून को खत्म करना चाहते थे। बादशिकों के हवाले से सामने आने वाले तहफुजात का एहतराम करते हैं। ऐसा कोई इकदाम नहीं कर सकते जिससे ये तासुर पैदा हो कि हमें मीडिया की आज़ादी अजीज नहीं। मीडिया इजहार राय और शहरी आज़ादियों के आईनी हक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पहले दिन से यही कहा था कि मुतफिका तौर पर ही बिल मंजूर कराएंगे। 9 मई के वाकया सोचे समझे मंसूबे के तहत किए गए। शमसाम बुखारी कह रहे हैं कि कोर कमेटी के इजलास में सारी प्लानिंग की गई थी। उनका मास्टरमाइंड चेयरमैन पीटीआई है। वजीर आजम के मुआवन खसूसी अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं आज एक मुलजिम अटक जेल में कैद है। पूरे पाकिस्तान से 7 लोग एहतजाज के लिए निकले। नवाज शरीफ जेल में थे तो बाकायदा हिदायत दी जाती थी कि घर का खाना बंद कर दो। ऐसा इंतकाम कोई किसी से ना ले जैसा चेयरमैन पीटीआई ने हमारे साथ लिया था। आज 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि उनकी सहूलियात के लिए दरख्वास्तें आना शुरू हो गईं। जो बीज बोया वही फसल काटनी है। रिजवाना तशद्दुद केस के मुलजिमा सोमिया की जमानत खारिज। पुलिस ने अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। दौरान समाअत पुलिस ने केस का रिकॉर्ड पेश किया। मुलजिमा के वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिमा ने तशद्दुद नहीं किया। 2.5 घंटे बच्ची बस स्टॉप पर बैठी रही जो अभी उठ नहीं पा रही। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को बस स्टॉप से वीडियो लेने की हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए कि तफ्तीश का काम दोनों फ्रीकेंस से सबूत हासिल करना है। सच को तलाश करने में डर नहीं होना चाहिए। शवाहिद ईमानदारी से जमा करें, किसी के दबाव में मत आएं। केस की तफ्तीश मेरिट पर करें। उधर मुलजिमा से तफ्तीश के लिए जीआईटी में मजीद 3 अफसरान का इजाफा। जीआईटी अरकान की तादाद 8 हो गई। और साबिक कौमी कप्तान इंजमामुल हक के आज चीफ सेलेक्टर बनने का इम्कान। पीसीबी के चीफ सेलेक्टर हारून रशीद की जगह लेंगे। हतमी फैसला जकाशिफ से मुलाकात के बाद किया जाएगा। चार्ज लेने के बाद नए चीफ सेलेक्टर अफगान सीरीज और एशिया कप के लिए टीम का इंतखाब करेंगे।